The union government is set to announce the interim budget in a few days. I am right now standing outside IIM Lucknow. The students of this very organization go on to become leaders in big companies that shape the future of this country and also the future of the common people standing with me. The interim budget is going to be out very soon and we are going to discuss with all of them, the common people of Lucknow, of what are their expectations from the upcoming budget. I have with me a homemaker, a corporate employer, student of IIM itself, you know, a hotel owner and a real estate business owner. We're going to talk to each one of them. Ma'am, aapka naam sabse pehle? मेरा नाम रक्षान बेग है और हम एक हाउस मेकर हैं. तो बजट का सबसे पहला बड़ा इम्पैक्ट जो आता है वो हम लोगों पर आता है, कॉमन लोगों पर, जो घर पे काम करते हैं. और मोस्टली हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली, मतलब 100 में 90% मिडिल क्लास फैमिली है, तो उसके ऊपर बजट का सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है. तो ये बजट अगर मतलब थोड़ा भी 19-20 होता है तो हम लोगों की घर गृहस्थी एकदम हिल डुल जाती है. तो आप क्या उम्मीद करती हैं कि कैसे आप लोग के लिए बर्डन कम हो, किस तरीके से बर्डन कम हो, क्या आपको लगता है किस तरीके से होना चाहिए, कहाँ पे टैक्सेशन कम होनी चाहिए? बिल्कुल, जैसे टैक्स में हम लोगों को बहुत ज़्यादा हम लोग पे करते हैं, और एजुकेशन हो गई उसमें आप मतलब एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट, हाँ, इन एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ में बहुत ज्यादा जरूरी है और एजुकेशन, ये दो सेक्टर मेरे लिए. सलोनी, आई विल कम स्ट्रेट टू यू. यू आर अ स्टूडेंट ऑफ आईएम लखनऊ एंड यू नो द निटी-ग्रिटीज ऑफ इट. सो हाउ डू यू थिंक, यू नो, अ मिडिल क्लास पर्सन, अ कॉमन पर्सन कैन बेनिफिट फ्रॉम द बजट, फ्रॉम द अपकमिंग बजट? व्हाट शुड बी देयर एक्सपेक्टेशन? आई थिंक सर, actually India is moving towards a huge potential of actually getting a 5 trillion economy by 2025, and our target is to reach 8 trillion. I'm talking in dollars. And I think as an educator myself, being into academics and now going to join some corporate soon, I think government is investing a lot in infrastructure, into logistics, and with an overall impact in the economy, the homemaker will benefit, because when the country is developed, ultimately our parents, our moms who are actually working day and night out, they don't get that appreciation at home. But when your children are educated enough, they realize that it's not just homemakers now, but infrastructure will help them also grow. So for instance, my mom itself, she's a homemaker, but she enjoys doing some boutique work. But right now, because of family constraints, she can't do that. But I think as we are getting educated, we give them an online pursue, ki go ahead and do that. So we are educating. But at the same time, you see, you know, inflation is also there, you know, which impacts people directly. Right. I have with me a corporate employee as well. आपका सबसे पहले आप नाम बताइए, एंड टैक्स स्लैब की जब बात आती है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे सैलरीड क्लास में आते हैं, तो वो टैक्स स्लैब से कितना फर्क पड़ता है और उसके लिए क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्योंकि अभी भी टैक्स, आई थिंक सेक्शन 80 के अंदर 1.5 लाख के लिमिट है. माई नेम इज आमना खातून एंड करेंटली आई एम वर्किंग इन एचसीएल टेक इन लखनऊ. सो बेसिकली एक जो उम्मीद होती है, एक जो एक नॉर्मल पीपल, कॉमन मान, एक ये लाइक एक्सपेक्ट करता है कि उसका जो लिमिट हो वो विद इन द बजट, उसका विद इन लाइक उसका मंथली बजट उसका यूज़ हो पाए. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय सेल्फ, सो आई एम कॉर्पोरेट एम्प्लॉय, सो इट इज़ वेरी upset to deduct my monthly salary with a little amount of portion, but we are the taxpayer, correct. So अगर देखा जाए तो एक स्लैब होता है जो कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है, और वो उसकी वजह से हमें कोई आपत्ति या कोई वो नहीं है कि हम पे नहीं करेंगे, बट हमारी भी जो इनकम होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए. और अगर हम देखा जाए तो हम सब में आप अगर होम मेकर की बात करो, आप अगर अकेडमिक की बात करो, आप अगर इस एम्प्लॉयड पर्सन की बात करो, तो इनका कहीं ना कहीं बजट के अंदर और टैक्स के अंदर हाथ रहता ही रहता है. अगर आप कोई छोटा सा सामान भी खरीदते हो तो उसमें इम्पैक्ट करता है, करेक्ट. तो मेरा ये मानना है कि विद इन जो हमारे हाउस होल्ड होते हैं, जो हमारी डेली नेसेसिटी है, तो उस पे जो टैक्स होता है, जैसे हो गया हमारा क्लॉथिंग पार्ट है, आप उसमें हाई कर दो, वो कोई इशू नहीं. लेकिन हमारे जो डेली नेसेसिटीज़ है, फूड हो गया, हमारा गैस हो गया, हमारा टैक्स सब्सिडीज होनी चाहिए, हो गया उस पर तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा, उस पे डेली रिक्वायरमेंट पे टैक्स सब्सिडीज थोड़ी है ना.
एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका है सैलरीड पर्सन के लिए, जो शायद पर्सनली कोई भी एक एम्प्लॉय फेस करता है, और शायद यू नो यू विल ऑल्सो बी एम्प्लॉयड वेरी सून. द पेपर वर्क एंड एवरी थिंग, यू नो अ कॉमन मैन यू नो कांट अंडरस्टैंड यू नो द लॉन्ग लेंथी पेपर वर्क एंड द निटी ग्रिटीज ऑफ इट. आई वॉज स्पीकिंग टू यू नो सम MSMEs एंड उसके अंदर एक PVC के होते हैं, उन्होंने कहा कि GST फाइल करने के लिए बहुत पेपर वर्क है. तो वॉट डू यू थिंक अबाउट दैट, और ऑल्सो you know, a comparison between the old tax regime and the new tax regime? I think government, you know, for the MSME specifically, single window mechanism already established kar diya. And I was working on a project in Gujarat. And I saw that Gujarat made so efficiently put out in a single system, you can get all your licenses. And I think it's just that now the government has to move it to the pan-India country. So I think when I see myself working in industry and for the upcoming 5 to 10 years, I want that ये जो गुजरात में मोदी जी ने किया, ऑफ कोर्स नॉट जस्ट मोदी गवर्नमेंट बट अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट्स, ये हर एक सिटी हर एक स्टेट में होना चाहिए. एंड विद इन द ओल्ड एंड द टैक्स रिजीम, आई जस्ट फील वी शुड पे टैक्सेस, दैट्स द राइट ऑफ अस आल्सो टू पे टैक्सेस. बट वो यूटिलाइज कैसे होता है, इट शुड बी सीन इन आवर इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर एजुकेशन सेक्टर, दैट इज इंपॉर्टेंट. वी हैव नो इश्यूज इन पेइंग द टैक्स. आई हैव विद मी अ रियल स्टेट ओनर आल्सो, अ रियल स्टेट बिजनेस ओनर एंड अ होटल बिजनेस ओनर आल्सो. अखिलेश जी, आपको क्या बोलते हैं कि बजट से आपको क्या एक्सपेक्टेशन लग रही है इस बार की, क्या होना चाहिए बजट में? देखिए, बहुत टाइम से प्रपोज्ड है, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो इस समय बहुत बढ़िया हो गई है इंडिया के लिए, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इंडिया की तरफ फॉर टूरिज्म. अब इसमें होटल इंडस्ट्री बहुत माने रखती है, होटल इंडस्ट्री को जो बेनिफिट्स इंडस्ट्री के प्रपोज्ड हैं मिलने, अगर वो मिल जाएँ तो मेरे ख्याल में बहुत सारी होटेलियर्स की समस्याएँ ख़त्म हो जाएंगी. जैसे क्या क्या बेनिफिट्स की अगर हम बात करें? देखिए, अगर इंडस्ट्रीज का दर्जा मिल जाता है होटल को, तो हाउस टैक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो इंडस्ट्रीज के बेनिफिट हैं वो सारे मिलेंगे, इंक्लूडिंग जो नई टूरिज्म पॉलिसी में बैंक लोन्स हैं उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे. मेरे ख्याल में होटल इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इससे. और ये जिस तरह से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, उस तरह से जो होटल्स की डिमांड्स हैं इंडिया में, नए होटेलियर्स आज भी डर रहे हैं. कोविड में 2 साल इतना खराब होटल इंडस्ट्री का निकला है, आज भी डर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने से. तो गवर्नमेंट अगर इसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दे और वो बेनिफिट्स इनको मिलने लगें, तो आई थिंक होटेलियर्स के लिए तो बहुत. अगर हम सर स्पेसिफिक की बात करें, है ना, किस किस चीज़ पर थोड़ी सी अगर आपको अगर सब्सिडी की बात करें जिससे यू नो थोड़ा मोराल बूस्ट हो सकता है होटल इंडस्ट्री का. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सिडी, सब्सिडीज से कोई मतलब नहीं है. अच्छा, मैं होटल की रनिंग के लिए बात कर रहा हूँ कि जो भी टैक्सेस हैं, वेदर इट इज़ द हाउस टैक्स और यू कॉल अ प्रॉपर्टी टैक्स एंड अ मेन कंपोनेंट इन होटल इंडस्ट्री इज इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी पे अगर हमको टैरिफ इंडस्ट्रीज वाला मिल जाता है तो अभी क्या डिफरेंस है टैरिफ में, अभी कौन सा टैरिफ होता है? नहीं, अभी काफ़ी ज़्यादा है, अभी कमर्शियल का टैरिफ लगता है होटल्स पे. ओके, हाँ जी, हाँ जी. ओके कमर जी, यू आर अ रियल एस्टेट डीलर, है ना, आप रियल एस्टेट में डील करते हैं और हाँ डेवलपर, एंड पिछले कुछ टाइम से देर हैज़ बीन अ सर्टन यू नो थोड़ी सी स्लीपीनेस रही है, थोड़ा डाउन रहा है रियल एस्टेट मार्केट, एक्सेप्ट फॉर अयोध्या ऑफ कोर्स, वहाँ पे तो इंक्रीज हुआ ही हुआ है, है ना, बिकॉज इट इज़ बीइंग प्रमोटेड एज अ टूरिज्म हब. कहीं ना कहीं ये थोड़ा दोनों टैंडम में चलते हैं, टूरिज्म एंड यू नो रियल एस्टेट भी कहीं ना कहीं साथ ही चलेगा. कोई जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो वहाँ पे उसका प्रॉपर्टी रेट्स ऑफ कोर्स इंक्रीज हो जाते हैं. अभी क्या अर्बन हाउसिंग की अगर हम बात करें तो व्हाट कुड बी डन पॉसिबली यू नो टू एनकरेज मोर अर्बन बायर्स और यू नो होम बायर्स, इसके अंदर कैसे कैसे फर्क पड़ सकता है, बजट्स में क्या, बजट में क्या उम्मीद रख सकते हैं? ऐसा हुआ है कि ये कोविड पीरियड में तो सभी खासतौर से टूरिज्म के साथ साथ रियल इस्टेट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है. लेकिन उसके बावजूद GST ये जो लागू करा गया है, पहले यह था मिनिमम 40 लाख पे GST था, 40 लाख से कम की जो प्रॉपर्टी थी, अब उसको कर दिया गया 20 लाख. आप GST जितना भी बढ़ाएंगे, जो बिल्डर होगा, लैंड डेवलपर होगा, जो सेल करेगा, वो जो भी आप टैक्सेस बढ़ाएंगे वो लेगा कस्टमर से ही, तो अल्टीमेटली पब्लिक पे ही आता है, एक आम आदमी पे ही उसका बोझ आएगा. तो टैक्स बढ़ाते टाइम ये ना सोचें कि आप इंडस्ट्री से ले रहे हैं या उससे ले रहे हैं, उसका असर पड़ता है उसी पे. तो वो GST जितना हो सकता है उसको कम करें, और ताकि लोग खरीदने के में उनको ज्यादा फायदा हो. आप सलोनी, योर ओपिनियन ऑन दिस, यू नो द GST शुड बी थोड़ा कम होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स होटल को अगर इंडस्ट्री का दर्जा मिले, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? Sir, I think uncle is bang on, and it is actually important because ultimately end consumer pe impact aa raha hai, and
बट आई फील ऑल ऑफ दिस इसमें लीकेजेस नहीं होनी चाहिए. द गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी इंट्रोड्यूस अ लॉट ऑफ पॉलिसीज, जनधन हैज बीन इंट्रोड्यूस. ये सब जो पॉलिसीज में लीकेजेस होते हैं ना, उनको कंट्रोल करके ऑफकोर्स जीएसटी को रिड्यूस करने का कितना भी आप कर लो, अल्टीमेटली गवर्नमेंट हैज टू अर्न रेवेन्यू. इंडिया का ऑलरेडी वी हैव अ फिस्कल डेफिसिट एंड वी हैव टू रिड्यूस इट. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द टैक्सेस. बट अननेसेसरली इंक्रीजिंग देम और डिक्रीजिंग देम हैज नो इम्पैक्ट, बिकॉज एक बार आप डिक्रीज करते हो फिर उसको इंक्रीज करना इज वेरी डिफिकल्ट. पीपल फील की फिर से हमसे और मांगा जा रहा है, और एकदम से इंक्रीज करना इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज देन पीपल फील की वाई इज दिस गवर्नमेंट डूइंग इट. सो आई जस्ट फील स्टेबल रखो, बट उसको यूटिलाइज ऐसे करो दैट पीपल फील प्राउड दैट येस द नेशन इज डूइंग समथिंग अबाउट इट. सो आई थिंक वी शुड हैव ह्यूज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द बजट, एंड एनी वे इलेक्शंस आर कमिंग, सो इट विल ऑल्सो बी इन टैंडम फॉर दैट. अखिलेश जी, यू ऑल्सो हैव अदर बिजनेसेस अपार्ट फ्रॉम होटल, तो उन बिजनेस को लेकर क्या बजट में एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए? देखिए, बजट से एक्सपेक्टेशन तो सभी की रहती है कि कुछ ना कुछ टैक्स रिलीफ हर साल मिले, चाहे लिमिट बढ़ा दी जाए टैक्सेशन की, चाहे टैक्स का रिलीफ मिले. लेकिन ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि ओवरऑल जो चीज़ें हैं उन पे अगर रिबेट मिलेगी तो ऑटोमेटिकली जो आम आदमी है, जो मैंगो पीपल, उसको फ़ायदा पहुंचेगा. और अगर आप वैसे वाइडली सोचिए कि आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा तो हमारे जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, हमारे किसी भी बिज़नेस में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा, तो चीज़ें मतलब घूम के वहीं आ जाती हैं कि हाउस होल्ड वाली जितनी चीज़ें हैं उन पे कुछ कॉमन इंसान को पता है. वन लास्ट कॉमेंट फ्रॉम बोथ ऑफ यू, आप दोनों से आखिरी कॉमेंट, क्या अगेन क्या एक्सपेक्टेशन, अगर आप एक लाइन में अपनी एक्सपेक्टेशन बता पाए तो. लाइक अगर हमारी एक्सपेक्टेशंस की बात हो तो हम यही चाहेंगे कि हमारा जो नेशन है, हमारा जो नेशन वो डेवलप्ड कर सके. लाइक हमारे ही आपके पर्सनल एक्सपेक्टेशन, हाँ, पर्सनल एक्सपेक्टेशन अगर बोलें तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारा जो बजट है वो एक स्टेबल रहे और एक प्रॉपर वे में यूटिलाइज हो सके. आपका मैम? हाँ, मेरा होगा फ्यूल, पेट्रोल डीजल, उसके जो एकदम आसमान छू रहे हैं प्राइस, उसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा मतलब गवर्नमेंट को उसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर पेट्रोल की ही वजह से मतलब सारी चीज़ें जो भी डेली की नेसेसिटीज़ है वो एकदम हायर होती जाती हैं. तो हमें 2024 से हाई एक्सपेक्टेशन है इस बार बजट की. थैंक यू सो मच. सो दीज आर द पीपल हियर, दे एक्सप्रेस देयर ओपिनियन on the upcoming interim budget that will be presented very soon in the parliament. With camera person Virendra Kumar Saini, Tanish Punjabi for NDTV.